हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन है, अब साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो पैट का 2020 का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। जी हां फ्रेंड्स, मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे जो है मैंने जो सब्जेक्ट हैं उसके क्वेश्चंस डील किए हैं, तो अब साइकोलॉजी का जो है अब नंबर आ गया है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो सेशन है, इस सेशन में जो है साइकोलॉजी का जो है सीरीज, बुकलेट सीरीज जो है सी नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, जिन छात्रों का सी नंबर जो सीरीज है उन छात्रों के लिए ये जो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेम नंबर क्वेश्चंस का होगा, और जिन छात्रों का बुकलेट नंबर कुछ दूसरा है, ए है या बी है या डी है, तो उन छात्रों को क्वेश्चन तो वही होगा, बस क्वेश्चन का जो है वो नंबरिंग ये अलग होगा। कि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हम डील कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो छात्र इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो वो अपना आंसर मिला लें, और जो भविष्य में छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उन 2021 में, उन छात्रों के लिए जो है बहुत ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उपलब्ध करवाना इतना आसान नहीं काम होता है फ्रेंड्स। मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए क्वेश्चंस जो है उपलब्ध करवाए हैं, तो आप ये सेशन ज़रूर देखें जो पीजी में इस बार है उन छात्रों के लिए है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना लेट करते हुए हम पहला क्वेश्चन डील करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया है और यहाँ पे हिंदी में है, तो हम हिंदी में आपको बता रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में सक्षम हैं, इंग्लिश में आप अच्छी तैयारी है और अच्छा जो आप समझने में समझ सकते हैं, तो आप इंग्लिश में ही देखिए, आप आंसर बस मिला लें, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज है। तो आइए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं भविष्य के लिए, तो इसीलिए आपके सुविधा के लिए हम उसी सेट में जो है, साइज में जो है वो आपको सेट करके बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, तंत्रिका कोशिका के बीच जोड़ों पर उपस्थित रासायनिक सर को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जोड़ों पर उपस्थित रासायनिक सर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, न्यूरोट्रांसमीटर स्रायु संचारी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्रेंड, फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक सोमाटोसेंसरी कोर्टेक्स कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, पारिएटल लेब में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बुकलेट नंबर सी हम देख रहे हैं अभी, तो जो छात्र इस बार एग्जाम दिए बुकलेट नंबर सी से अपना मिला लेंगे, और अगर विजुअलिटी अगर फ्रेंड आपको कम दिख रही होगी तो आप अपना जो है वो क्वालिटी जो है अपना बढ़ा लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरह है, कितना मुश्किल से मिला है, तो इसीलिए आप अपना जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें और अपना क्वालिटी बढ़ा लें। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड वो देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध करने के लिए प्रारंभिक अवस्था है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध करने के लिए प्रारंभिक आवश्यकता है? तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक शोध प्रश्न तैयार करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट रिसर्च? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड, किसी व्यक्ति के साथ हुई विशिष्ट चीज़ों की यादों को कहा जाता है? किसी व्यक्ति के साथ हुई विशिष्ट चीज़ों की यादों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो प्रासंगिक स्मृति कहा जाता है, एपिसोडिक मेमोरी कहा जाता है। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुलिमिया किस तरह का विकार है? बुलिमिया किस तरह का विकार है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, बुलिमिया जो है भोजन विकार है। जी हाँ फ्रेंड्स, बुलिमिया भोजन विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईटिंग डिसऑर्डर। निम्नलिखित 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि की सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण माना जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 4, यानी 3 को छोड़ करके, इसको काट करके बाकी तीनों ये आपका आंसर है, तीनों माना जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो है आपको सीरीज सी दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा सीरीज का पैट 2020 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डैश उस त्रुटि का वर्णन करता है जो तब होती है जब कोई एक शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है जो वास्तव में गलत है। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टाइप 2 त्रुटि। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा सीरीज को हम जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं इस सेशन को, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो, आप क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर ले अगर दिक्कत होता है तो, फास्ट हम चल रहे हैं तो ऐसे आप अपना तैयारी कर सकते हैं और ऐसे आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य रूप से मनोभ्रंश को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जाता है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रगतिशील गिरावट, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन।
अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परामर्श एक व्यवसाय सेवा है जिसका उद्देश्य है, 9 का A हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंश्योर दैट, ए हो जाएगा, इसका आंसर ए है, व्यक्तिगत विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देना, 9 का A हो जाएगा, प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता का एक उदाहरण है? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, डिसलेक्सिया हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, डिसलेक्सिया ये बीएड वाले में भी साइकोलॉजी में बाल विकास में पढ़ाया जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं 11th का, रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्या है? तो रक्षात्मक प्रतिक्रिया इसका जो है राइट आंसर है वो बी है, विशिष्ट अनुभवों के कारण होने वाले तनाव और संघर्ष को कम करने के लिए बनाया गया एक तंत्र। अब आइए 12th नंबर क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, देख लेते हैं उसे। आमतौर पर विश्वास अंतराल कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को किस आंकड़े पर निर्धारित किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हम बता दें, 12th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 95%, सी राइट आंसर है। आलेखीय और संख्यात्मक विधियों का उपयोग कहाँ जाता है? आलेखीय और संख्यात्मक विधियों का उपयोग कहाँ जाता है? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वर्णात्मक सांख्यिकी। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक सामाजिक घटक क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, प्राथमिक सामाजिक घटक क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा बी, परिवार। प्राथमिक सामाजिक घटक क्या है? परिवार, फैमिली। व्हाट इज द प्राइमरी सोशल एजेंट? 15 नंबर है, सोमाटोफार्म विकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? सोमाटोफार्म विकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि रूपांतरण विकार भी है, मनोदैहिक विकार भी और चिंतोन्माद भी है। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, PTSD पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के क्या कारण है? तो 16 का जो आंसर है क्या कारण है, उपरोक्त सभी, प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर दुर्घटनाएं, सैन्य मुकाबला और आतंकी घटनाएं, हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमला। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंसर का सबसे सामान्य उपचार क्या है? कैंसर का सबसे सामान्य उपचार, उपरोक्त सभी, कीमोथेरेपी भी है, शल्य चिकित्सा भी है, विकिरण चिकित्सा भी है, तो 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क में ब्रोका के क्षेत्र में क्षति के परिणाम स्वरूप हानि होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भाषाई क्षमता में हानि होती है। डैमेज टू द ब्रोका एरिया इन द ब्रेन्स रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज। अब 19 देख लेते हैं फ्रेंड, स्मृतियों के प्रतिरूप मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो स्मृतियों के प्रतिरूप मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एटकिंसन और शिफ्रिन ने, 1968, एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। 20 देख लेते हैं फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपका अच्छे से विजिबल हो। तो देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची सेकंड और सूची फर्स्ट के साथ निम्नलिखित विषय का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके अपने उत्तर का संकेत दें। तो इसका आंसर है फ्रेंड वो आपको हम बता देते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, आप मिलान करके देख ले, ए का हो जाएगा 4, यानी ए का हो जाएगा 4 आपका, उसके बाद हो जाएगा आप देख लीजिए बी का 1 हो जाएगा, तो आपका बी का 1 हो जाएगा, उसके बाद सी का जो है 2 हो जाएगा, तो सी का आपका 2 हो जाएगा, और उसके बाद डी का जो है आपका 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने मिलान करके देख लें। अब आइए फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, डैश में लक्ष्य आबादी में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिचयन में चयनित होने की समान संभावना होती है, समान संभावना होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा बी, यादृच्छिक प्रतिचयन, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका 22 का जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, वो हो जाएगा बी, MPP का उपयोग वयस्क व्यक्ति और मनोवृत्ति का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने फ्रेंड, अभ्यस्तता व्यक्तिकरण के रूप में जाना जाता है, अभ्यस्तता व्यक्तिकरण के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नकारात्मक हस्तांतरण, यानी कि निगेटिव ट्रांसफर,
इसका आंसर हो जाएगा बी, नकारात्मक सहस्तांतरण, निगेटिव ट्रांसफर। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? नेतृत्व के आकस्मिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो 24 का हो जाएगा ए, फ्रेड ई फिडलर, फ्रेड ई फिडलर। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है डैश, पर्यावरण में उपस्थित अप्रासंगिक उत्तेजनाओं को नज़रअंदाज करना तथा प्रासंगिक उत्तेजनाओं के बारे में हमारी जागरूकता को निर्देशित करने की प्रक्रिया है। तो 25 का हो जाएगा बी, यानी कि चयनात्मक अध्ययन, सिलेक्शन अटेंशन। और ये 26 नंबर देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार प्रत्येक वर्षों के बाद जनगणना करती है, इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण, सर्वे, सी जो राइट आंसर है। अब आइए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा सक्रिय प्रतिक्रिया को कभी कभी कहा जाता है? सहानुभूति तंत्रिका तंत्र द्वारा सक्रिय प्रतिक्रिया को कभी कभी कहा जाता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, यानी कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, चिन्हित परीक्षण जो है ये पैरामीट्रिक परीक्षण नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा, क्यों फ्रिट्ज और हिटजिंग का 1870 का अध्ययन न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए इतना महत्वपूर्ण था? Why was Fritz and Hitzig 1817 study so important to neuropsychology? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा ए, यह मस्तिष्क में कार्य के स्थानीकरण का पहला प्रायोगिक प्रदर्शन था। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वैक्स लेर प्रौड बुद्धि मापनी के 11 उप परीक्षण होते हैं, जिसमें से क्या 6 मौखिक के और 5 निष्पादन के हैं? यानी कि बी जो है वो राइट आंसर है। तो इसका जो है बी, 6 आर वर्बल एंड 5 आर परफॉर्मेंस। अब 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 31 नंबर क्वेश्चन है, कार्यकारी स्मृति में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल है? कार्यकारी स्मृति में से कौन सी शामिल है? 31 का जो आंसर हो जाएगा वो जगह सी, भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण क्षमता। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवर्ड सी टोलमैन 1932 ने एक प्रभावशाली सिद्धांत विकसित किया है जिसने सीखने की डैश प्रकृति पर जोर दिया है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक। 33 नंबर क्वेश्चन ये रहा, किसने रोशोक परीक्षण के स्थापक विश्लेषण प्रणाली को विकसित किया और सभी 5 प्रणाली को संयोजित किया था? किसने रोशोक परीक्षण के व्यापक विश्लेषण प्रणाली को विकसित किया और सभी 5 प्रणाली का संयोजन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ई एक्सनर। फिर से देख ले एक बार, जॉन ई एक्सनर, डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। 40 नंबर क्वेश्चन जो है ये मिलान करने वाला है, तो आपको मिलान करके हम बता दें इसका जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा। ए का, यानी कि ए का 2 आंसर है, तो ए का 2 आंसर आपको ऐसे मिला लें। उसके बाद आप देख लें कि बी का 3 है, तो बी का 3 है आपका यहाँ पे। उसके बाद देख लें कि सी का 4 है, तो सी का जो है वो 4 है आपका। उसके बाद देख लें कि डी का 1st है, तो डी का जो है वो 1st है। तो आप ऐसे करके मिलान कर ले। अब आइए फ्रेंड्स, ये राइट आंसर था इसका बी। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मेटा विश्लेषण से आपको क्या समझने में मदद मिलती है? आपको क्या समझने में मदद मिलती है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, बहुत सारे अध्ययन के परिणामों में भिन्नता या विसंगति का अन्वेषण करने में। और ये 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सेशन को ज़्यादा लेट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, और आपको बता दें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड, ताकि जो हम आपको जो है अपडेटेड यूनिवर्सिटी की न्यूज़ मिलते रहे, और किसी भी कोई ऐसे छात्र हैं जो पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दे। और ये फ्रेंड 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कलानुक्रमिक आयु 5 वर्ष है तो बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, तो आप ये देख लीजिएगा। और तो हम इसका आंसर हमको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, 100 हो जाएगा।
36 का आंसर हो जाएगा डी 100। वही 37 नंबर देख लेते हैं। डैश ऐसा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो अच्छे स्तर के तनाव के लिए किया जाता है, तो कौन सा इसमें से शब्द है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यू स्ट्रेस। 38 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। DSM-5 बुद्धि अक्षमताओं की गंभीरता को परिभाषित करता है। 38 का DSM-5 डिफाइंस द सेवरिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एडेप्टिव फंक्शनिंग और अनुकूलनीय कार्य क्षमता द्वारा। 39 देख लेते हैं फ्रेंड। 39 बुद्धि लब्धि के वितरण के अनुसार निम्नलिखित विवरण को व्यवस्थित करें, तो इसका राइट आंसर बताए थे, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप अपने क्वेश्चन में उसको जो है आप अच्छे से कर ले। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब आइए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 40 नंबर क्वेश्चन, डिमेंशिया प्रकोष क्या है, डिमेंशिया प्रकोष क्या, व्हाट इज द डिमेंशिया प्रकोष, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा सी मनोविदलता सिज़ोफ्रेनिया। 41 नंबर देख लेते हैं। फिलीन प्रभाव क्या है, तो फिलीन प्रभाव जो है वो लोगों का औसत, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, लोगों का औसत IQ स्कोर धीरे धीरे लेकिन लगातार समय के साथ बढ़ता रहता है। अब आइए 42, ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि बुद्धि लब्धि के व्यक्तिगत अंतर के बीच उच्चतम क्रम के सामान्य कारक में जी कारक प्रतिनिधित्व है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा बी स्पीयरमैन। 43 नंबर देख लेते हैं। अब हम इस सेशन के अंतिम पर आपकी ओर है फ्रेंड्स, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरा क्वेश्चन जो आप समझ के जाएं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमोलित है, तो आपको बता दें फ्रेंड, सॉरी इसका जो नीचे ऑप्शन है ये देखना होगा कि उपरोक्त सभी सुमोलित है, यानी कि ये सभी जो हैं वो सही हैं, सभी सुमोलित हैं। अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्य परिवर्तनशीलता में एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, टास्क वेरिएबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटरमिनर्स ऑफ, तो 44 का हो जाएगा डी जिगार्निक प्रभाव, डी हो जाएगा आंसर। 45 नंबर देख लेते हैं। HIV किन कारणों फैल सकता है, HIV किन कारणों से फैलता है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा सी सुइयों को साझा करने से, बाकी ये सब ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, यानी कि 46 में प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ए सेगुइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ये परीक्षण नहीं है। 47 नंबर प्रश्न, ये रहा फ्रेंड, सूची 2 और सूची 1 के साथ निम्नलिखित विषय का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर का संकेत दें, तो आप देख लीजिए ये जो आपका उत्तर है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप यहाँ से हम आपको आंसर सिर्फ बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ए का हो जाएगा दो, उसके बाद है आप देख सकते हैं बी का 3 हो जाएगा, तो बी का जो है वो 3 हो जाएगा ये, उसके बाद सी का फोर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो डी का 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आप मिला ले ऐसे। अब 48 नंबर डिस्कशन कर लेते हैं। 48 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों को निम्नलिखित चुनौतियों से निपटने में लोगों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी उपरोक्त सब, यानी कि तनाव से प्रबंधन के माध्यम से बीमारी को रोकना, जोखिम भरे व्यवहार से बचना या रोकना, स्वास्थ्य रखना, ये सभी आंसर सही है। 49 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड। किसने जोर दिया कि संगठित अवधारणात्मक अनुभव से ऐसे गुण है जिनका एक सरल विश्लेषण से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, तो 49 का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने ये दिया था। अब आइए 50 नंबर, तो हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो ये फ्रेंड्स, डैश संरचनावादी था, डैश व्यवहारवादी व्यवहारिकतावादी भी था, यानी कि वॉज टू स्ट्रक्चरलिज्म और एज वॉज द फंक्शनलिज्म भी था, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड 50 का वो फाइनली हम बता दें वुंट और जेम्स। वुंट संरचनावादी था और जेम्स व्यवहारिकतावादी था,
तो फ्रेंड्स इसी तरह हम देखें कि आपने मैंने पूरे 50 क्वेश्चंस को डील किए हैं। तो फ्रेंड्स हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं एंड बी अपडेटेड ऑन स्मार्ट स्टडी प्लस यूनिवर्सिटी की तरह तरह की न्यूज लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। थैंक यू।